मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीप्ति गणराज और अभी फ़िलहाल मैं कहाँ हूँ ये लोकेशन देख के तो आप समझ ही गए होंगे। मैं हूँ वन एंड ओनली नागपुर का फेमस अंबाजरी लेक, उसी के प्रेमाइसिस में, और यहाँ से पूरा व्यू आज के इस वीडियो में कवर होने वाला है। साथ ही में जो फेमस हमारा ओवरफ्लो हो रहा है फिलहाल, उसका अपडेट है इस वीडियो में। सो वीडियो को लास्ट तक के बने रहिए और चैनल को लाइक करो और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अंबाजरी लेक इज सिचुएटेड नियर द साउथ वेस्ट बॉर्डर ऑफ नागपुर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज वन ऑफ द 11 लेक्स इन नागपुर एंड इज द लार्जेस्ट लेक इन द सिटी। यस फ्रेंड्स, सिटी का सबसे लार्जेस्ट अगर कोई लेक है तो वो अंबाजरी लेक है। दैट मीन्स आप इमेजिन कर सकते हो कितनी बड़ी एरिया ऑक्यूपाइड करता है ये लेक हमारा नागपुर का। नाग रिवर ऑफ नागपुर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस लेक ओनली। और ये लेक का अगर हम बात करें कब ये बना था, तो 1870 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, वो भी राजा भोसले जो हमारे रूलर थे उनके टाइम पे। ये सिटी में पानी सप्लाई करने का काम करता था फ्रेंड्स। और आज भी हम नागपुरियंस को अगर कहीं से पीने का पानी मिलता है तो वो अंबाजरी और गोरेवाड़ा जैसे बड़े तालाब ही है। गोरेवाड़ा का अगर आपने ओवरफ्लो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और वो भी चेक कीजिए। एंट्री की अगर बात करें तो सुबह 10 बजे से शाम को चालू रहता है फ्रेंड्स, 7-8 बजे तक के। और 10 रुपीज टिकट है यहाँ एंट्री लेने की। और यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी अंबाजरी मेट्रो स्टेशन, जहाँ से आप ट्रेवल करके आ सकते हैं या फिर आप अपने ओन व्हीकल से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। हमारे नागपुर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लेक है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हमेशा बने रहते हैं देखने के लिए। और आज की आप प्रश्न के अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि नागपुर के पीपल इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस प्लेस। फिलहाल जैसे कि बारिश का मौसम है और हर जगह ओवरफ्लो चालू है न्यूज़ में, सो या हमारा अंबाजरी का भी लेक ओवरफ्लो हो रहा है और वो इतना खूबसूरत नज़ारा हम नागपुरियंस मिस नहीं कर सकते। अगर आप पास में नहीं जा सकते हैं तो आप मेरे वीडियो के थ्रू भी उसका एंजॉय ले सकते हैं। मस्त से आप एक बार ओवरफ्लो देखने जरूर जाए, बट हाँ पास में नहीं जाए, दूर से देखें। और फ्रेंड्स, आप चैनल को विजिट कर रहे हो, 90% से ज़्यादा लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और कमेंट्स में नागपुर की क्या कुछ न्यू अपडेट आप देखना चाहते हैं वो भी मेंशन करो। Thank you.
स्वामी विवेकानंद जी का स्टेचू है फ्रेंड्स, जो कि इस अंबाजरी लेक में चार चांद लगा देता है। साथ ही में यहाँ पे आई लव नागपुर करके मेंशन है। सो ये प्लेस बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। कुछ साल पहले तक ये नजारा नहीं था, बट हाल ही में एक दो साल से ये नजारा आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, और अभी फिलहाल तो यहाँ पे ओवरफ्लो से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया है। That's all about my today's video. I just hope so आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो नागपुरियंस के साथ में, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।